चलें गुड हो गया जी। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले हम जिले का प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम साथ ही फजल फजल आपने मुझे जो मैसेज किया था आप प्लीज दोबारा मुझे मैसेज कर दो। जो आपने मुझे मैसेज किया था लास्ट वो ये था कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में मसला आ रहा है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन या जहां भी मसला आ रहा है उस टॉपिक का बता दो ताकि फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जिले हम पहले वो खोलते हैं आप वाला, ठीक है जी। पहले हम आप वाला एक क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का, जिसमें सैलरी का टैक्स जो है वो कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। अच्छा जिले मुझे बताओ कि जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, वो आपने नोट्स जो हमने पढ़े थे, हमने टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर ऑन सैलरी का टॉपिक पढ़ा था और हमने नोट्स में साथ साथ ही उसके पास पेपर्स देखे थे, ऐसे ही था। पास पेपर्स के अलावा हमने एक एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी जो बुक में थी कि दो तरह के केसेस होते हैं कि या तो एम्प्लॉयर एक मरतबा सैलरी पर टैक्स देता है अच्छा। जिले और फजल फिर हम पता क्या करते हैं, देखो अभी फजल भी ऑफलाइन हो जाएंगे और जिले आपका भी आप भी ऑफलाइन हो जाओगे, तो फिर हम आज का सोल्यूशन ये निकालते हैं कि जिले अच्छा पहले तो मुझे बताएं जिले कि आपको मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही। जिले आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जिले हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने सैलरी के टॉपिक में वो दोनों क्वेश्चंस देखे हुए हैं टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की, ठीक है, तो आप सिंपली ये करो कि जिस दिन की वो रिकॉर्डिंग थी ना वो टॉपिक रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लो। आपने वो टॉपिक रिकॉर्डिंग में दोबारा देखा है? अगर नहीं देखा तो वो रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लो, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में दोबारा देखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने मुझे पहले रिकॉर्डिंग देख के सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि उसमें भी एक्सप्लेनेशन है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता फिर मुझे ईमेल करो, फिर मैं ऐसा करूंगी कि आज का दिन तो अब खत्म हो जाएगा, मैं संडे को ईमेल पे, ठीक है, मैं और आप ईमेल पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और जो भी आपको इश्यू आ रहा होगा वो हम ईमेल पे कल संडे को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो हम संडे को ईमेल पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे या मैं आपको फोन कर लूंगी, आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको फोन पे समझा दूंगी, ठीक है। साथ हम अपनी स्क्रीन पे वो फाइल खोल लेंगे और साथ हम फोन पे वो समझ लेंगे, ठीक है जी। और फजल आपको भी जो क्वेश्चन जिसमें मसला आ रहा है आप वो क्वेश्चन मुझे ईमेल करें, ठीक है जी। पहले तो उसकी अच्छा फजल आप ऐसा करो, ये तो सैलरी की इनकम का क्वेश्चन है ना, ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको चॉइस मेकिंग में मसला आ रहा है अकोमोडेशन का, ठीक है। अच्छा फजल आपको भी जितने पॉइंट्स पे कंफ्यूजन है ना आप उन सब की लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट इस पे कंफ्यूजन है तो आपने पहले ये पॉइंट डालना है और फिर आपने नीचे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पहले आपने ये पॉइंट लिखना है और फिर आपने उसके नीचे एक्सप्लेन करना है ईमेल में कि आपको किस बात पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आपके साथ भी मैं कल संडे को कोऑर्डिनेट कर लूंगी, कल फिर हम संडे को कोऑर्डिनेट करके इसका सोल्यूशन, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी वो रिजॉल्व कर लेंगे। और जिले आपको भी जितनी चीजों में इशू आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने इन सब टॉपिक्स के बारे में
अच्छा जी, अब आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई है। अच्छा जाहिर, ये जो है ना आज यही प्रॉब्लम चलता रहेगा आवाज का, ठीक है।
तो अब मैंने आज उनको पढ़ाया कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मैं उतार देती हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड ना करिए उनके 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अब मैं इन सबको ईमेल करने लगी हूँ, खुद मैं जाने लगी हूँ, ठीक है। अब मैं इन सबको ईमेल करने लगी हूँ, ऑडिट की क्लास को भी और टैक्स की क्लास को भी, कि उनकी आज की क्लास जो है वो